नमस्कार, न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। ना कोई कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री, ना ही कंप्यूटर डिप्लोमा का कोर्स, बस सीखने की चाहत व कंप्यूटर पर कुछ नया करने की चाहत में एक दरोगा ने गूगल शीट्स की मदद से ऐसा सिस्टम विकसित किया जिससे थाने संबंधित सभी दस्तावेज की जानकारी अब लेना आसान हो गया है और फील्ड में रहते हुए सारी जानकारी महज चंद सेकंड में हासिल हो जाएगी। थाने में कंप्यूटर हो, लैपटॉप या फिर फील्ड में मोबाइल, उस पर थाने के स्टाफ या फिर अपराधियों से संबंधित जानकारी, शिकायत पत्रों का निस्तारण, सब कुछ तुरंत मिल जाएगा। बस्ती जिले के वाटरगंज थाने के SO दिनेश कुमार सरोज ने गूगल शीट पर तकनीक से ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे थानों का काम आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, इसकी ट्रेनिंग भी वे पूरे जोन के 196 थाने के पुलिस कर्मियों को देंगे, जिसकी शुरुआत ADG दफ्तर से की गई है। बस्ती पे SP रहमराज मीना ने कहा है कि खुद की रुचि से एक SO ने जिस तरह से काम किया वह सराहनीय है। हर थाने में इस तरह से काम हो सके इसलिए पूरे जोन के थाने की पुलिस को ट्रेनिंग जल्दी दी जाएगी। गोरखपुर कार्यालय से इसकी शुरुआत कर दी गई है। फरियादी कब और कितनी बार आया जैसी जानकारी एक क्लिक पर मिल जाएगी। अन्य जानकारी भी इसी तरह हासिल की जा सकती है। देखिए, थाना बाल्टरगंज में जो हमारे थाना प्रभारी DK सरोज, इनके द्वारा जो थानों पे जो प्रार्थना पत्र आते हैं, संबंध वारंट आते हैं और तमाम जो अन्य जो प्रोसेस का जो तामीले का जो सिस्टम है उसको पहले मैनुअल किया जा रहा था। उन्होंने इसको गूगल सीट पे गूगल सीट पर डाटा एंट्री करके और इसको वहाँ से पे ऑनलाइन इसको उन्होंने मैनेजमेंट का एक वहाँ पे सिस्टम बनाया है जिससे जो तमाम प्रार्थना पत्र हैं उन सभी को इसमें फीड किया जाता है। फीड करने के बाद में इनको संबंधित जांचकर्ता अधिकारी को इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो गूगल सीट के माध्यम से किया जाता है। इसका लिंक सभी जो थाने के जो एम्प्लॉई हैं इनके पास में शेयर किया जाता है जिससे कि उनको जानकारी मिलती रहे कि उनके पास में क्या क्या पेंडेंसी लिस्ट है। तो ये काफ़ी एक अच्छा सराहनीय कार्य है और इससे जो थाने पर जो भी प्रार्थना पत्र हैं और जो भी प्रोसेस का जो तामिले के लिए जो भी प्रोसेस जाते हैं तो उनका पर्यवेक्षण करना बहुत ही आसान हो गया है और थाना प्रभारी को ये पता रहता है कि किसके पास में क्या प्रार्थना पत्र और कौन सी जाँच लंबित हैं, कौन से NVW और इनका तामिला शेष है। तो इससे थाने की जो वर्किंग है वो काफ़ी इससे इफेक्टिव हो गई है और इसी को ADG जॉन महोदय के द्वारा भी इसको रिकॉग्नाइज किया गया और उनके द्वारा इसको काफ़ी अप्रिसिएट किया गया और उन्होंने जनपद के जो सभी थाने हैं उनको उनमें भी इस व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही साथ उनके द्वारा जोनल स्तर पे भी सभी SPs को भी इसके बारे में निर्देशित किया है कि वो भी इसको अपने अपने यहाँ पे जो भी थाना हैं उनमें इसको इम्प्लीमेंट कराए। तो ये एक काफ़ी अच्छा प्रयास है और इससे जो हमारा जो विशेष तौर से जो हमारा जो नीचे जो सबॉर्डिनेट स्टाफ है जैसे कॉन्स्टेबल्स हैं, हेड कॉन्स्टेबल्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, तो इनको जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उनका सुपरविजन इसके माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो इसका फ़ायदा आखिर में आम जनता को मिलेगा क्योंकि जो भी प्रार्थना पत्र और जो भी जो प्रोसेस है न्यायालय के प्रोसेस हो या फिर अन्य जो सिविल जो जाँचें हैं वो टाइमली होगी तो जनता को इससे फ़ायदा मिलेगा। बाकी चीज़ें हैं वो सेम रहेंगी लेकिन मतलब इससे मॉनिटरिंग का जो सिस्टम है वो इफेक्टिव हमारा होगा। जब मेरी नियुक्ति यहाँ पे हुई तो सबसे पहले मेरे पास जो समस्या आई वो ये था कि हमारे ऑफिस के लोग क्या क्या काम कर रहे हैं वो हमें बहुत कम जानकारी हो पाती थी। जब मैं रजिस्टर मंगा करके उसको देखता था तो एक एक पॉइंट वाइज चेक करने पर तब पता चलता था कि यह इस प्रार्थना पत्र की कार्रवाई अभी शेष है या ये जो प्रपत्र हमें मिले हैं जो न्यायालय के हैं या पुलिस प्रपत्र थे उनको कौन सा विलम्ब हो रहा है, रजिस्टर का अवलोकन से मुझे पता चलता था। तो इसमें काफ़ी प्रपत्र भी विलंब हो जाते थे सूचना भेजने में और तमाम सारी चीज़ें पेंडेंसी पड़ी रह जाती थी जिससे ऊपर से रिमाइंडर भी आते थे और एक असहज स्थिति का सामना करना पड़ता था। तो इसको जब देखा गया तो इसके लिए हमने एक ये जो गूगल का सेपरेट सीट है इसको आधार बना करके सारे अहकामातों की इसमें फिटिंग कराना शुरू कर दिया। ऑनलाइन इसका हमारे मोबाइल पर दिखता रहता है, अगर हम फील्ड में हैं तो फील्ड में भी मेरे थाने के कार्यालय के लोग कौन कौन सा काम कर रहे हैं वो शो होता रहता है, कौन सा प्रपत्र हमारा लंबित है उसको हमें पता चलता रहता है, हमारे यहाँ जो GD लिखी जाती है वो भी ऑनलाइन मुझे दिखती रहती है मोबाइल पर, जब फाइनल होने के बाद से वो हमारे CCTNS के जो सॉफ्टवेयर है उसमें दाखिल किया जाता है। तो इस काम से हमारा काम काफ़ी आसान हो गया है
कागजों का भी बोझ कम हो गया है और कोई भी प्रपत्र हमारा लंबित नहीं रहता है, जिससे उच्च अधिकारी के कार्यालय से हमारे पास किसी प्रकार का रिमाइंडर नहीं प्राप्त होता है, हर काम हमारा टाइम टू टाइम हो जाता है। अच्छा, इससे क्या अपराध पर नियंत्रण भी लगेगा, पुलिस कार्य में गति भी आएगी या कुछ खर्च भी बचेंगे, क्या ऐसा कुछ है? जी, अपराधों के नियंत्रण पर इसका सीधा सीधा असर ये पड़ेगा कि हम अपराधियों के भी डाटाबेस को ऑनलाइन किए हैं, कौन कौन अपराधी के कौन कौन से कर्मचारी निगरानी कर रहे हैं वो हमें पता चलता रहता है, कौन से अपराधी की निगरानी किस डेट को की गई है, किसके द्वारा की गई है, वो हमारे यहाँ डाटाबेस में अपडेट होता रहता है। ये सीधे जो व्यक्ति निगरानी करता है वहीं से डाटा फिलअप करता रहता है। अपराधी जो पुराने जिनके क्रिमिनल हिस्ट्री हैं उनको मौके से ही देख करके वो उनकी वर्तमान स्थिति को अपलोड करता रहता है, वो हमें डाटाबेस में हमें आता रहता है, दिखता रहता है। अब जो व्यक्ति पेपर लेके हाथ से ले आता था, ले जाता था, पहुंचाता था, तो व्यक्ति के आने जाने का भी खर्च बच गया, टाइम का बचत हो गया कि व्यक्ति मौके से अपना फीडिंग किया और हमारे पास होने लगा। अगर प्रदेश के सारे थानों में इस तरीके से सिस्टम लागू हो तो इससे ज्यादा लाभ मिल सकते हैं? बिल्कुल, लाभ तो मिलेगा ही, क्योंकि जब ये कंप्यूटरीकृत हो जाएगा तो एक जगह सेंट्रल पूरे प्रदेश में भी इसकी समीक्षा करना चाहे तो कोई भी अफसर बैठ कर अपनी समीक्षा कर सकता है। बिनोद क्षेत्र पांडेपुर राधे गांव निवासी हिंद केसरी विजय बहादुर राजभर के आकस्मिक निधन पर उनके पैतृक आवास पर पहुंचकर बुधवार को गहरा शोक संवेदना प्रकट किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री व प्रतिपक्ष नेता राम गोविंद चौधरी ने स्वर्गीय विजय बहादुर राजभर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि देते हुए परिजनों को ढांढस बंधाया और कहा कि पूरी समाजवादी पार्टी दुख की घड़ी से परिवार के साथ है। इसी के साथ आगे कहा कि इस ग्रामीण अंचल से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपने दमखम को लोहा मनवाते हुए गांव से लेकर देश का गौरव बढ़ाने का काम किए। इनकी जीवन चरित्र से युवाओं और कुश्ती जगत में दम दिखाने वालों को प्रेरणा लेनी चाहिए। इनके आकस्मिक निधन से देश के कोने कोने में कुश्ती क्षेत्र के साथ ही इनके चाहने वालों में आज भी शोक की लहर है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष रामधरी यादव, पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सिंह, विधायक जंगीपुर डॉक्टर वीरेंद्र यादव, कमलेश यादव, भानु, आमिर अली, राजीव यादव, राजू, अशोक सिंह, पप्पू, उदय यादव, अनीता यादव, अनिल यादव, अवधेश यादव, गरीब राम जखनिया, विधायक त्रिवेणी राम, पूर्व विधायक कालीचरण राजभर, राष्ट्रीय सचिव सपा शिक्षक सभा विजय चौरसिया, पासनाथ यादव व अन्य लोग मौजूद रहे। विधायक जी के साथ रह लीजिए सब। भैया भैया प्रेस ठीक है, ले ला मना थोड़ी कर। डायरेक्ट दरोगा पद से डायरेक्ट, हाँ, तो फिर प्रमोशन करके इंस्पेक्टर बन गए। तीन स्टार लगता था उनके यहाँ इंस्पेक्टर, डीआई जी सो कहते हैं, दरोगा से भी कोतवाल जी से, कोतवाल कोतवाल तीन गुजर यहाँ स्टार लगे हैं ना, वो इंस्पेक्टर का डीएसपी रैंक में आवला अमर बाणा जी सर जी एकदम सबके लेकर हम अंदर छोटे पास एक के थरिया खाली में खाना खिलाए। हां बड़े वो यहां पर दिखाएंगे उसे पर।
बांसवाड़ा जिले में एंटी क्राइम एंड करप्शन स्क्वाड एनजीओ के तहत आज दिन बुधवार को सभी पदाधिकारियों के साथ साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एडीजी अधिकारी देवेंद्र सिंह भाटी एवं नगर पालिका अध्यक्ष जिनेन्द्र त्रिवेदी की मौजूदगी में सभी पदाधिकारियों को एक एनजीओ के माध्यम से समाज के साथ अपनी अहम भूमिका निभाने के लिए शपथ दिलाई गई है। इस कार्यक्रम में एडीजी देवेंद्र भाटी ने एंटी क्राइम एंड करप्शन स्क्वाड के लोगों को एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हेमंत उपाध्याय एवं दक्ष उपाध्याय के द्वारा की गई है। इस कार्यक्रम में एनजीओ के नेशनल सेक्रेटरी अखिलेश सिंह एवं नेशनल चीफ रमेश कोर द्वारा सभी पदाधिकारियों को इस सफलता के लिए बधाई और शुभकामनाएं भी दी गई है। संगठन के माध्यम से देश में किसी भी आपदा में सरकार और प्रशासन का हर संभव मदद मैं शपथ लेता हूँ संगठन के माध्यम से पूरे देश में फैले हुए अपराध और भ्रष्टाचार को हर प्रकार की सरकार और प्रशासन की मदद करूँगा और इस काम के लिए जनता को जनता को मैं शपथ लेता हूँ संगठन के माध्यम से सरकारी और गैर सरकारी विभागों के भ्रष्टाचार को और दोषियों को कानून के पंजे से पहुँचाने में सरकार और प्रशासन की ईमानदारी से मदद मैं शपथ लेता हूँ संगठन के माध्यम से मजदूर लोगों फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।